ठीक है, बीए कर ली फिर घर में छोड़ दगड़ गया। दस पाचा की बना कटोरी नाम देश में पड़ी, उन्हें ऐसे मिली में दौड़ा मारा नूसरयाम सुना और किशन सिंह सरदार रहे थे के साथ कमाल। भगत सिंह ने गोला मार दिया और अपने आप को सरेंडर कर दिया कि थर थर कांप थे अंग्रेज भाई छोड़ के कुर्सी मेज शेर वो जब ललकारा रे। भगत सिंह ने असेंबली में गोला मारा, चुप कर मारा गोला, एक भी अंग्रेज उसने उस दन्ना मारना चाहा, जान थेड़ी पर धर के बस चेतावन खाया, खाया धुमा चारों ओर, मरगे मरगे माचा फोर, अंग्रेजा ने ओ माई गॉड पुकारा रे। तो भगत सिंह ने असेंबली में गोला मेरी आदरणीय बड़े भाई दीपक शर्मा सिरसल से बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, 100 रुपए से बच्चों का मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। सबने गोला मार दिया और वहां पर खड़े हो गए तीनों भाई, सरेंडर कर दिया अपने आप और दूंगी बेरी सरकार ने, इस अत्याचारी सरकार ने उन तीनों नौजवानों को कारागार में डाल दिया। और ये बताते हैं भगत सिंह को जब जेल में डाला गया तो 2-3 रोज उपरांत अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लगता है कि पुत्र ने घना मन काचा, पुत्र ने घना मन काचा, एक बार फेंक दिया मेरी माँ। भगत सिंह की माँ अपने साथियों के साथ में और भगत सिंह से मिलने के लिए चलती, ये बताते जब जेल के अंदर कदम रखा उसी तरह से उन सरियों में से हाथ निकाल कर सभी कैदियों के हाथ जुड़ गए, उस वीर की माँ आई उसके दर्शन कर लो, क्या पता कभी मौका मिले ना मिले। और भगत सिंह की माँ जब भगत सिंह की बैरक के सामने गई जिस जेल में वो बंद था, एक बार तो माँ का कर्जा का प्यार और दूसरे ही अक्षण पल्ला पकड़कर आंसू पूछन लगी। भगत सिंह ने कहा लगा माँ मेरे पागली बरका में मेरे 2 भाई और हैं, राजगुरु सुखदेव, अगर उन्होंने आंसुओं को देख लिया तो जो काम वो रखा है वो काम नहीं होगा। फिर ये काम नहीं होगा जो काम मनोट रखा। अब ये बताते भगत सिंह की माँ के लगे बेटे ये तो खुशी के आंसू है और तरह के तो याद भी है कि माँ मेरा सारा सब कुछ याद है। नुबली बहुत कड़ी राह है, बहुत कड़ी राह है बेटा, कठिन रास्ता है, ये अंग्रेज अत्याचारी पता नहीं क्या क्या अत्याचार करेंगे तेरे, ये तेरे ऊपर गर्दी भी फेड़ेंगे, ये लाठी भी मारेंगे और ये रोटियां में पत्थर भी देंगे। सदरो जब ये जकरा सुनाने बोला माँ तेरा दूध भी रखा, तेरा दूध नहीं लगाऊ, मेरी माता ही बहने ध्यान देना, जिसका छोरा जेल में पड़या हो लुगाई मर्द वकील कर दे अंडक कद इसकी तारीख लाकर हम जमानत ले। भगत सिंह की माँ उसको जमानत लेने की बजाय उसको पक्का करके आती है, नो बली रे बेटे कदे तेरी गिल्ला नूटली बढ़ गया, कदे आदम छोड़ दे इस काम में, क्या क्या करती भगत सिंह की माँ कैसे क्या ले? बात का मौका होता है भाई, देखना आप ऐसे तरीके से पेश मत आए, कमेटी से प्रार्थना है
कोई भी ऐसे तत्व को स्टेज के नजदीक ही मत आने दे जिससे कलाकार की छवि को भी और उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़े। तो कमेटी से प्रार्थना है आपसे हाथ जोड़ करके ऐसी कोई भी ऐसा तत्व है उसको बार बाईपास भेज दिया जाए। धन्यवाद। बात सुनी सुनाई लेकिन बात को कहने का तरीका होता है। भगत सिंह की माँ के कर लागी भगत सिंह कही बच्चा देश प्रेमी संगीत से प्रभावित होकर 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमारे एक और साथी ने मान सम्मान किया तब जिनसे धन्यवाद है। यूं बोला माँ मेरा सारी बात याद है कुर्सी नोली। जब मेरा पिताजी जेल से आया और आपने कहा कि भगत सिंह खेतों की तरफ गया और मैं धरती को ले रही था, मेरे पिताजी ने मेरे को पूछा कि भगत सिंह के कर है, वहां सारा अंदाज में जवाब दिया। बोला बहु सुपंदूक बाबू अपनी क्यारी में गोर करना, बहु सुपंदूक बाबू अपनी क्यारी में भारत मान आजाद कराने की कल्याणकारी में। चिल्ली दूधिया संघर्ष से बड़े भाई शोर पे शोर लाभदायी करते हैं। सहज से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। माँ तेरा दूध नहीं लगाऊंगा जो काम और रखा उसने पक्का करूंगा। नवरी जय तेने काम पक्का कर दिया तो मेरी माताएं बहने ध्यान देना। नवोली ने जड़े का लकड़ूंगी जीत के भी जाऊंगी और एक न्यू को जाकर देखो रे भगत सिंह की माँ दाद है अकोरे मन न्यू करूंगे देखो या उसकी माँ दाद है किसकी न्यू कहेंगे। Thank you.